गुड मॉर्निंग आपको। टुडे इज माय टॉपिक पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव। माय टॉपिक चल रही है कंटिन्यू, सेवन पार्ट हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। आज की टॉपिक पार्ट नंबर 8, कौन सा हमारा टॉपिक है? पास्ट परफेक्ट टेंस। जिस तरह से बेटा हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, उसी तरह आगे भी हम जो टेंस तक जितना भी पढ़ेंगे वो सब के सब उसी पैटर्न पे लागू होगा। आज हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। जिस तरह से हमने सभी टेंसेस को 4 पार्ट में डिवाइड किया था, आज इसको भी हम लोग 4 पार्ट में ही डिवाइड करेंगे। सबसे पहले ये डिवाइड होगा सिंपल। कितने पार्ट में डिवाइड होता है? सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, मतलब कुल मिलाकर 4 पार्ट्स। इतना जरूर याद रखिएगा बेटा कि कोई भी पार्ट आप लोग मिस मत करिएगा। और जो भी एक्टिव आए जिस पार्ट में पूछता है तो नेगेटिव में पूछेगा तो नेगेटिव, सिंपल में पूछेगा तो सिंपल, इंट्रोगेटिव में पूछेगा तो इंट्रोगेटिव में, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जब पूछेगा एक्टिव आए तो पैसिव आए भी हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ही देना होगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा सिंपल। सिंपल का मेथड आपका बन जाएगा, फर्स्ट आपका सब्जेक्ट ओल्डेस्ट ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब Had plus been plus third form of the main verb plus by plus object oldest subject plus etc। ये जो है आपका इसका पैसिव वॉइस का मेथड होगा। अब इसी पैसिव वॉइस पे इसी को एग्जांपल में समझ लेते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए आप मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट oldest subject plus helping verb had been plus third form of the main verb plus by plus object oldest subject plus etc। example में देखते हैं। याद रखिएगा किसी भी active voice को passive voice में तभी बदला जा सकता है जब वो अगर tense का है, tense और modal adjectives का है, तो उसमें जब तक object नहीं होगा तब तक हम उसे पर बदल नहीं सकते हैं। example में हम देखते हैं I had completed my homework. I had completed my homework. एक बार हम आपको बता देते हैं इसे कि ये past perfect tense का है, यहाँ पे had लगा हुआ है। अगर कोई भी सेंटेंस आपको एक्टिव वॉइस में आता है और उसे हमें पैसिव वॉइस में बदलने हैं तो सबसे पहले हमें उस सेंटेंस को पढ़ना होगा। पढ़ लीजिए I had completed my homework। अब इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में बदलना है, तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए अगर आप पहले इसी तरह समझ जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप इसे डिवाइड कर लीजिए। सब्जेक्ट ये आपका हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, ये आपका टोटल क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब आप इसी मेथड पे से रख दीजिए, बदला हुआ आपका पैसिव वॉइस का ही होगा। बदला हुआ जो रूप इसका इस स्ट्रक्चर पर रखने में वो पैसिव वॉइस होगा। देखिए फर्स्ट का पास सब्जेक्ट ओल्डेस्ट सब्जेक्ट, ओल्डेस्ट सब्जेक्ट क्या है? माय होमवर्क। अब हम इसे रख लेते हैं, पैसिव में बन जाएगा माय होमवर्क, ठीक है माय होमवर्क। अब यहां आ जाइए, एक ही कार्य खत्म उसकी हो गई। अब आपका क्या हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है? Had been, क्या है? Had been, had been। फिर उसके बाद आगे देखिए थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, तो कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखा है तो हमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही रख देते हैं कंप्लीटेड। यहां तक हम पहुंच गए थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब तक आगे। अब हमारा मेथड बता भाई बाई चाहिए हमें, तो आप बाई। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ओल्डेस्ट सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट आपका क्या है? आई। क्या है सब्जेक्ट? आई। इसे हमें किसमें ले जाना है? ऑब्जेक्ट पे। तो आपको मैंने हर एक वीडियो में और सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव में परिवर्तित करने के लिए केस ऑफ टेबल को लिखवाया है और उसे मैं बार बार आपको याद दिलाने के लिए बोलता हूँ। जैसे आई को देखिए, आई जब सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में होगा आई, इसी को पॉसेसिव में ले जाएंगे तो जाएगा माई, और इसी में एडजेक्टिव हो जाएगा तो हो जाएगा माइन, और अगर ये ऑब्जेक्टिव केस में
लेकर जाएंगे तो हो जाएगा मी, क्या जाएगा बेटा मी। अब हमें यहां सब्जेक्ट की जगह से हमें ऑब्जेक्ट पे ले जाना है, तो ये हो गया नॉमिनेटिव, ये हो गया पॉसेसिव और ये हो गया ऑब्जेक्टिव। तो हमें कहां लेना है, ये लेना है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह पे है तो यहां पे लेकर आ जाएंगे और हम कर देंगे मी। अब ये आपका नया बदला हुआ स्ट्रक्चर और बदला हुआ रूप आपका पैसिव वॉइस कहलाएगा। किसका पैसिव वॉइस, इस सेंटेंस का, इस एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस आपका ये बना। अब नया बना हुआ सेंटेंस बन गया माय होमवर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय मी और ये बना पैसिव वॉइस। इस तरह से आप इसको चेंज करेंगे। अब हम इसमें नेगेटिव देख लेते हैं, फिर क्लास वर्क देते हैं, दो मिनट के बाद फिर आगे वाला पढ़ते हैं, देखते हैं। नेगेटिव, नेगेटिव में कुछ नहीं करना है। देखो यहां नेगेटिव में केवल यहां पे प्लस हो जाएगा आपका, प्लस नॉट जुड़ जाएगा, बाकी ये सब चीजें अपने आप हो जाएंगी। और इसमें अगर इस तरह से पूछेगा देखना, बस इतना ही होगा आई हैड नॉट कंप्लीटेड माय होमवर्क, ये बन जाएगा यहां पे इनके बीच में हो जाएगा नॉट, हो जाएगा माई होमवर्क हैड नॉट बीन कंप्लीटेड बाई मी। ये हो गया आपका सिंपल, फिर से देख लेते हैं एक बार। अगर ये निगेटिव बन जाएगा तो हमारा निगेटिव होता है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट ओल्डेस्ट ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट ओल्डेस्ट सब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये रहा मेथड किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का, निगेटिव का, पैसिव वॉइस का मेथड। अब एक्टिव वॉइस में कोई प्रॉब्लम, आपको एक्टिव वॉइस नहीं मिलेगी, आप इसे पैसिव वॉइस में बोलेंगे तो ये हो। अगर मान लीजिए कोई वृद्ध बोल दिया आई हैड नॉट कंप्लीटेड माय होमवर्क, तो पैसिव वॉइस में आप बदलिए, तो आप यही देखिए जिस तरह से हमने निकाल रखा है सिंपल वाले में, उस तरह से आप निगेटिव निकाल लेंगे और इसे बदलेंगे तो क्या करेंगे, पहले पहले हमें चाहिए ओल्डेस्ट सब्जेक्ट, तो ओल्डेस्ट सब्जेक्ट आपका क्या है माई होमवर्क लिख लेंगे आप। फिर उसके बाद क्या चाहिए हमें, हेल्पिंग वर्क, हेल्पिंग वर्क आपकी क्या है, हैड, क्या है, हैड बिना किए तो बीन के बीच में नॉट लग जाएगा, हो जाएगा हैड नॉट बीन। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब तो आपका कंप्लीट ऑलरेडी दिया है, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड रख देंगे। फिर आपका बाई, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का हो जाएगा मी। इस तरह से आपका नया बदला हुआ रूप बन जाएगा आप My homework has not been completed by me. इस तरह से ये negative भी आपका समाप्त हुआ। क्लास में लिखिए, दो मिनट में आप इसे करके दिखाइए, मैसेज कीजिएगा और उसके बाद हम पढ़ेंगे interrogative sentence। क्लास में लिखिए, The washerman had washed the clothes. The washerman had washed the clothes. बस दो दो देंगे, इसके बाद आप इसे कर लीजिएगा, फिर इंट्रोगेटिव आपको देंगे। हो गया बेटा, पहला एक्टिव वॉइस है आपका द वॉशरमैन हैड वॉश्ड द क्लॉथ। दूसरा लिखिए द पेशेंट हैड, द पेशेंट हैड टेकन द इंजेक्शन, द पेशेंट हैड टेकन द इंजेक्शन। इन दोनों को आप लोग पैसे वॉइस में बदलिए, हम तब तक एक मिनट में इसे इरेज करके फिर आपको पढ़ाते हैं। तो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा, आपका जो कोई भी आंसर होगा उस आंसर को आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम उसे देख लेंगे कि क्या बना हुआ आपका एक्टिव से पैसिव आपने कैसे बनाया। अब बेटा हमने दो पढ़ लिया, पास्ट परफेक्ट टेंस के दो टाइप को हमने पढ़ लिया, कौन कौन सा, सिंपल और नेगेटिव पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, थोड़ा सा एग्जामिन करते हुए पढ़ते हैं। बेटा आप इसमें भ्रमित मत होइएगा कि सर सिंपल लिखते तो सिर्फ नेगेटिव बता दे रहे हैं, बस ये देखिए कि आपको कितना सिंपल सा दिया गया है और उस सिंपल में कितना थोड़ा सा चेंज करेंगे तो पूरा स्ट्रक्चर ही उसका बदल जाता है, मतलब उसकी टाइप नहीं बदल जाता है। दो टाइप थे ना इसके, तो एक टाइप में हमने बस नॉट लगा दिया, सिंपल वाले जो हमने सीखा था नेगेटिव में केवल हमने नॉट लगा दिया एक जगह और हो गया नेगेटिव, ठीक, सिंपल से नेगेटिव। चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव कितने टाइप का होता है बेटा, टू टाइप का, कौन कौन सा, फर्स्ट टाइप और कौन होता है सेकेंड टाइप। तो हम पहले फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल
हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट ओल्डेस्ट ऑब्जेक्ट प्लस बीन। ध्यान दीजिएगा, बस यही ध्यान देने की बात है। प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट ओल्डेस्ट सब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क आपको भूलना नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क आपको नहीं भूलना है। अगर आप क्वेश्चन मार्क भूल जाएंगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। चलिए देखते हैं, आप सेकंड टाइप का दोनों मेथड लिख लेते हैं, एग्जाम्पल एक साथ ही देख लेते दोनों। सेकंड टाइप इसका मेथड देखिए, इनके मेथड में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस इंट्रोगेटिव वर्ड जुड़ जाएगा। चलिए इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, विच इज द हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट ओल्ड सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट ओल्ड सब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। वाई सॉरी सॉरी फर्स्ट टाइप पर पहले देखते हैं, हैड दे प्लेड क्रिकेट इन दैट फील्ड। क्वेश्चन मार्क, देखो बेटा ये आपका एक्टिव आंसर है, पढ़ लीजिए इसे। पहले हमने कहा कि पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सेंटेंस को पढ़ लेने हैं, पहले सेंटेंस को क्या कर लेने हैं, पढ़ लेने हैं। तो आप पढ़ लिए, हैड दे प्लेड क्रिकेट इन दैट फील्ड, आपका सेंटेंस आपने तुरंत पकड़ लिया कि पास्ट परफेक्ट टेंस का फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जब पास्ट परफेक्ट टेंस का फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आपका मेथड कौन सा काम करेगा, ये वाला। कौन सा मेथड काम करेगा, फर्स्ट आप हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट ओल्ड सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सॉरी बाई प्लस ऑब्जेक्ट ओल्ड सब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए इसमें हम इसे चेंज करते हैं, तो पहले हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब हैड चाहिए, तो हैड ऑलरेडी लगा हुआ है, इसलिए जब हम बदलेंगे हो जाएगा आपका हैड। सब्जेक्ट ओल्डेस्ट ऑब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट कौन बनाएंगे, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, इसमें ऑब्जेक्ट आपका क्या है, क्रिकेट, यही है बेटा, क्या है, क्रिकेट। तो आपने क्या रख दिया, हैड क्रिकेट। चलिए फिर उसके बाद क्या है, बीन, क्या है, बीन, बीन भी है तो आप रख दिया बीन। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो प्ले का प्लेड ही है, यहां प्लेड लगा ही है तो हम रख लेंगे प्लेड, तो रख दो ऐसे ही। फिर उसके बाद बाई, क्या है, बाई, आपने रख दिया क्या, बाई। फिर उसके बाद आपको क्या रखना है, बाई के बाद ऑब्जेक्ट ओल्ड सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, दे, क्या है, सब्जेक्ट जो है आपका दे है, जिसे हम रखेंगे ऑब्जेक्ट पे। तो दे को देखो, दे सब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है, ठीक, और पॉसेसिव केस में होता है देयर, या इसी में होता है देयर, सभी की लिख दे रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव पे इसे यूज किया जाता है देन, इसमें यूज किया जाता है देन। तो आपका दे कन्वर्ट होगा पॉसेसिव केस में, सब्जेक्टिव है यहां से जाएगा यहां, तो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस पे देन, तो आप यहां क्या लिख देंगे, देन। अब बात आती है इन दैट फील्ड को उसी तरह ईटीसी का पोर्शन है, ईटीसी यहां वाला आ गया, तो आप यहां लिख दीजिए इन दैट फील्ड, इन दैट फील्ड। अब आपको लास्ट में क्वेश्चन में बेटा पूछा है आपको, तो आपको भी क्वेश्चन में ही जवाब देना है, तो लास्ट में आप इंट्रोगेटिव मार्क और आपका ये नया बना हुआ सेंटेंस मिल गया आपको, क्या, हैड क्रिकेट बीन प्लेड बाय देम इन दैट फील्ड।
कोई डाउट? आई होप यू हैव नो डाउट ऑफ दिस सेंटेंस. ओके, अब आपको देखते हैं सेकेंड सेंटेंस, सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस. जैसे सेकेंड टाइप जो है वो सेंटेंस, इसे इरेज कर देते हैं अपना. एकदम बेटा आराम से बस आप सुनते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी. पेपर और कलम लेकर बैठिए, एकदम आराम से इसे सॉल्व कर देंगे. है कुछ नहीं, बस केवल लोग डराते हैं आप. जैसे देखो, मैन पेन नहीं करते हैं, वाइफ करते हैं. वाइफ है माई मदर, वाई हैड माई मदर कुकड द फूड, कुक द, बस इतना ही. अब इसे चेंज कर देते हैं. मान लीजिए कि इतना ही दिया गया, तो आप इसे चेंज कैसे करेंगे? देखो, इंट्रोगेटिव वर्ड पहले ही लगाना है. अब ज्यादा डिसाइड नहीं करना, अलग अलग नहीं करना. पहले इंट्रोगेटिव वर्ड का वर्ड लगा है, रख दीजिए इंट्रोगेटिव वर्ड. फिर क्या है? हेल्पिंग वर्ड है, या है. फिर उसके बाद का सब्जेक्ट ओल्डेस्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए. तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? द फूड. आप रख लीजिए यहां द फूड. फिर क्या है? बीन लगाना है, आप लगा दिया बीन. फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ड आपने लगाया, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया है कुकडर. फिर उसके बाद आपका है बाई. फिर उसके बाद है आपका सब्जेक्ट, क्या है? ऑब्जेक्ट बनेगा जो पुराना वाला क्या होगा? सब्जेक्ट होगा. तुम्हारा पुराना सब्जेक्ट है माई मदर, आपने रख दिया माई मदर. माई मदर का भी क्वेश्चन. इस तरह से बेटा इस भी सेंटेंस को हम चेंज कर देंगे. मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव का सेंटेंस इस टाइप का आएगा, तो हम अपने इन मेथड की वजह से या इन मेथड को अप्लाई करके हम उसे चेंज कर सकते हैं. चलिए हम इसमें थोड़ा सा और देखते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव वाला देखते हैं. देखो इसमें क्या चेंज होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव. ठीक, हालांकि थोड़ा सा शॉर्ट हम इसमें बता रहे हैं, क्योंकि हमने प्रेजेंट टेंस पूरा अलग अलग लिखा, पास्ट टेंस भी हम लोगों ने अलग अलग लिखा, लेकिन अब थोड़ा सा हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आप जान जाइए कि हाँ आपको कितना ज्यादा थोड़ा सा चेंज करेंगे तो सेंटेंस ही बदल जाएगा. देखिए, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप. फर्स्ट टाइप में आपका जो है सेम रहता है, सेम, बस इसी सब्जेक्ट के बाद, मतलब सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा? नॉट. इसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा. उसी तरह सेकंड टाइप के मेथड में भी सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा. और ये बना हुआ सेंटेंस जो बन जाएगा वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है. अब देखिए एग्जाम्पल में देखते हैं, इसी एग्जाम्पल को अगर हम बात करें तो वाई हैड माई मदर नॉट, क्या गया? नॉट कुक्ड द फूड. अब ये चेंज जब होगा, पैसिव एक्शन जब चेंज होगा, तो हो जाएगा वाई हैड द फूड, यहां हो जाएगा नॉट, क्योंकि इसी जगह ने बोला है नॉट कुक्ड बाय माई मदर. देखते हैं कैसे हो जाता है. जैसे सेकेंड टाइप का है, सेकेंड टाइप का है इंट्रोगेटिव वर्ड है. अब देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड पहले रख दिया, हेल्पिंग वर्ड आपने रख दिया है, बात क्या चाहिए? सब्जेक्ट ओल्डेस्ट ऑब्जेक्ट, तो आप ओल्डेस्ट सब्जेक्ट द फूड हो ही गया. फिर उसके बाद आप नॉट लगाना है, तो आपने यहां क्या लगा दिया? नॉट. उसके बाद बीन. फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब जो फूड है, आपने भी दिया ही गया है बाय माई मदर. बाय माई मदर, बाय है ऑब्जेक्ट पुराना वाला सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? मदर, हो गया बाय माई मदर. इस तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव समाप्त होता है. और इसी टॉपिक के अंतिम में पास्ट परफेक्ट टेंस भी आपका समाप्त होता है. कल हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस समाप्त हो ही गया, पास्ट टेंस खत्म हो गया, कल हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे. आपको बेटा होमवर्क दिया जाता है, होमवर्क जो दिया जाता है उस होमवर्क को आप अच्छे से अपने घरों में करिए, और उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए आप जो है मैसेज करिए या अपने ग्रुप से रिलेटेड ग्रुप में डाल दीजिए. जो भी टीचर संबंधित होंगे वो उसे चेक कर लेंगे, और आपका दिया गया जो आंसर होगा वो कौन सा गलत है और क्यों गलत है, इन सभी का आंसर वो देंगे. चलिए हम आपको क्लास वर्क देते हैं, क्लास वर्क दे दिए हैं, अब हम आपको होमवर्क देते हैं. लिखेगा
का होमवर्क आप लोग कॉपी और कलम उठा लीजिए और हम लोग लिखिए, ज्यादा नहीं, चार पांच देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। लिखिए ही हैड ऑर्डर्ड राइस, ही हैड ऑर्डर्ड राइस एंड करी। करी की स्पेलिंग ये देखो, सी यू आर वाई, करी, सी यू आर वाई, करी फॉर लंच, फॉर लंच। फिर से बोल देते हैं, मैच करवा लीजिए। ही हैड ऑर्डर्ड राइस एंड करी फॉर लंच। नेक्स्ट, आई हैड your homework and task board. Okay, thanks.